टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में लीड रोल निभाने वाले एक्टर नील भट्ट व एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा 30 नवंबर को ऐश्वर्या के होम टाउन उज्जैन में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ परिवार व करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंध गए। नील और ऐश्वर्या की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसकी एक झलक आप यहां देख सकते हैं। वहीं इन दोनों की शादी के पहले की रस्में जैसे कि मेहंदी, हल्दी व संगीत समारोह की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें कुछ वीडियोस व फोटोज भी वायरल हो रहे हैं। My best friend's getting married. के फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। जहां हल्दी की रस्म में नील पीले रंग के कुर्ते में हैंडसम लग रहे थे, वहीं ऐश्वर्या का येलो लहंगा भी उन पर काफी अच्छा लग रहा था। वहीं इस कपल ने एक दूसरे को हल्दी लगाते हुए काफी एंजॉय किया। इसी के साथ नील अपनी बारात एक बस में सवार होकर अपनी शादी में पहुंचे। नील के वेडिंग वेन्यू पर पहुंचते ही सभी ने गर्म जोशी से उनका स्वागत मालाओं और फूलों की पंखुड़ियों से किया। वहीं जहां नील अपनी शादी में सफेद कुर्ता व धोती में अच्छे लग रहे थे, वहीं ऐश्वर्या शर्मा भी लाल रंग के बांधनी डिजाइन के लहंगे में बेहद ही सुंदर लग रही थी। हम बात करें ऐश्वर्या शर्मा की, तो वे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की रहने वाली है। एक्टिंग से पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब ऐश्वर्या मुंबई आई तो उन्हें सबसे पहले कलर्स के सीरियल ल कोड रेड में मौका मिला और इसके बाद वेब सीरीज माधुरी टॉकीज में नजर आई। इसके बाद ऐश्वर्या शर्मा शो गुम है किसी के प्यार में पत्र लेखा के रोल में नजर आई। वहीं उनकी मुलाकात शो के सेट पर नील से हुई और वही एक दूसरे से प्यार हो गया और अब मंगलवार 30 नवंबर को शादी के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, आपको नील भट्ट व ऐश्वर्या शर्मा की शादी की अभी तस्वीरें व वीडियोस कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आप इधर बैठ जाइए, दिखाओ, मैं लेके आती हूँ।